हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल। तो दोस्तों, ये एपिसोड 8 होने वाला है। आपको याद ही होगा, लास्ट वाले एपिसोड में हम थोड़े बहुत एनिमल लेके आए थे हमारे हाउस में, एंड हमने थोड़ी बहुत जगह को एक्सप्लोर किया था जिसमें हमको रोइन पोर्टल भी मिला था। इस वाले एपिसोड में हम बनाने वाले हैं हॉर्स के लिए हाउस। तो चलिए हम जगह डिसाइड कर लेते हैं। मैंने सामान वामान रख लिया है जो जो हमको काम आएगा बनाने में। तो इधर पर मैंने थोड़ी बहुत जगह साफ़ कर दी है, क्योंकि भाई सामने बनाते तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने इधर पर बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 ब्लॉक लगा दिए हैं बर्च के, और बीच में हम करते हैं 6 ब्लॉक का गैप, जिससे हमारा हॉर्स अच्छा से मतलब घूम सके। इधर पर 2 ब्लॉक और लगा देते हैं, और सामने की ओर हम बीच में रखेंगे 4 ब्लॉक का गैप, और 5वें ब्लॉक पर हम लगाएंगे। ऐसे ही हमने बीच में 6 ब्लॉक का गैप रखा था और 7वें ब्लॉक में हमने लगाया था। तो हमने ये सारों को लगा दिया है, इनको सबको स्ट्रिप कर देते हैं जिससे इनकी लुक बहुत अच्छी हो जाए। इधर पर लगा देते हैं बर्च के प्लैंक्स, जो कि इनसे कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छे लगेंगे, मतलब सेम टू सेम दिख रहे हैं ये। सामने भी इधर पर लगा देते हैं हम, जिससे हमारा गैप कम हो जाए। वैसे यार ये गैप ज़्यादा कम हो जाएगा, वैसे मैं देख लेता हूँ फेंस लगा के पहले। इस साइड भी हम ब्लॉक लगा देते हैं, फिर हम इधर पर लगाएंगे फेंस, जो कि हमको बहुत अच्छी लगेंगी देखने में। ये वैसे भाई जगह तो छोटी लग रही है इधर पर, इस साइड और लगा के देख लेते हैं बीच में, फिर हम देखते हैं कैसा लगता है। इनको भाई हटाना पड़ेगा यार, अच्छा नहीं लग रहा। मैंने हटा के बीच में भी इधर पर फेंस लगा देते हैं। अब इसकी बनाएंगे हम छत, जो कि हम बनाएंगे स्लैब से, और वो मैं बनाऊंगा बर्च एंड ओक की स्लैब से, जो कि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है भाई। ब्राउन जैसी वो दिखती है ओक की स्लैब, एंड ये वाइट सी दिखती है, तो भाई वाइट एंड ब्राउन मुझको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सामने की ओर हमने ये लगा दिए हैं 2 बर्च के। अब इधर पर लगाएंगे हम 2 किसके भाई, ओके। ऑलवेज की बात है भाई, जब हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो ओके ही लगाएंगे ना, बर्च के थोड़ी लगाएंगे। तो इसके ऊपर हम लगा देते हैं ओके ये स्लैब, उस साइड में हमको जगह बची है उसमें लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा भाई, बर्च के स्लैब भाई, जगह जब सेम करेंगे ना दोनों साइड, इसलिए बर्च के स्लैब ही लगाएंगे। इसलिए हम इधर पर सेम टू सेम करेंगे, क्योंकि हमको बनाना है अच्छा सा घर। इधर पर लगा देते हैं ओके स्लैब, ऊपर चढ़कर लगाना पड़ेगा भाई, नीचे से नहीं लगता यार। तू माइनक्राफ्ट वालों को जानता नहीं है? अच्छा ठीक है ठीक है, मैं नहीं जानता लेकिन आप जानते हो, इसलिए रात हो रही है, जल्दी से सोने जाते हैं, वरना हमारा क्या हाल करेंगे जॉम्बी स्केलेटन क्रीपर वगैरह। वैसे मैं जॉम्बी से नहीं डरता, क्रीपर से डरता हूँ, एंड वो कोई बात नहीं, आप भी डरते होंगे। इधर पर मैंने इतना ब्यूटीफुल बना दिया है, इधर पर लगा देते हैं फेंस, बीच में लगा देंगे फेंस गेट, जिससे हमारा हॉर्स अंदर एंड बाहर आ जा सके, बिना हमारी इजाज़त के नहीं आ सकता, क्योंकि हमने लगाए हैं फेंस गेट, उनको हम ही खोल सकते हैं। इधर पर हम थोड़ी बहुत लाइटिंग लगा देते हैं हॉर्स के लिए, क्योंकि हॉर्स को भी तो उजाला चाहिए ना भाई। वैसे ये अच्छा नहीं लग रहा साला, इसको तोड़कर हम लगाएंगे अच्छे से, जो कि आप लोगों को दिखा नहीं सकते, क्योंकि भाई मैंने इसमें बहुत कलाकारी की है, आप लोगों के सामने रिवील कर दूंगा फिर मेरी कलाकारी अच्छी नहीं लगेगी। इसको हम साफ कर देते हैं। तो दोस्तों, इधर पर लेके चलते हैं हॉर्स को लेने के लिए। इधर पर सुअर भाई, तू मर जा यार साले, पहले मुझको हॉर्स को ढूंढने दे अच्छा वाला। इधर पर अच्छा नहीं है साला, तेरे को ही जाना पड़ेगा। चल ठीक है, तुझको ही रख लेते हैं, क्योंकि भाई ऑडियंस को भी तो दिखाना पड़ेगा ना कि हम हॉर्स लेके आए हैं। अगर हम लेके ही नहीं जाएंगे तो फिर ऑडियंस को लगेगा कि साले इसको हॉर्स दिख रहा है फिर भी लेके नहीं जा रहा है, इसलिए हम लेके जा रहे हैं। वैसे हम बाद में चेंज कर लेंगे ये अच्छा वाला, इसको अंदर लेके चलते हैं, और इसको हम इसको घर दे देते हैं, इसका नहीं वैसे, और दूसरे का रहेगा ये वैसे, तो इसको निकाल देते हैं हम सैडल को, वरना भाई लेके भाग जाए। इसको हमको देना नहीं है सैडल, हम डायमंड का हॉर्स आर्मर पहनाएंगे इसको, नहीं दूसरे वाले को। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।